हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियाची कपल। सो प्रियाची में से अभी प्रिया तो जा चुकी है अभी थोड़े दिनों के लिए, और मैं चिराग जो है वो यहाँ पर काकराबार में जॉब कर रहे हैं डेपुटेशन पे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ काम था। NPCIL की यहाँ पर एक साइट है काकरापार, काकरापार गुजरात साइड से बोलते हैं, और यहाँ पर अभी न्यूली प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो उसी के प्रोजेक्ट के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है 3 महीने के लिए। मेरे साथ में काफ़ी फ्रेंड्स लोग भी हैं मैप्स के जो यहाँ पर हैं, और बाकी फ्रेंड्स अभी सो रहे हैं क्योंकि शाम हो रही है तो अभी वो उठने के मूड में नहीं है। ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी एक्चुअली 2-3 दिन पहले, और आज भी अभी थोड़ी सी बारिश हुई है। और फ्रेंड्स यहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर। और फ्रेंड्स सॉरी अगेन, बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कोई वीडियोज़ भी अपलोड नहीं करी है और मतलब कोई ब्लॉगिंग भी नहीं की है, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि प्रियांशी के फादर साहब का रिटायरमेंट हुआ, वो वाला व्लॉग भी थोड़ा सा शूट किया, बस उसमें एडिटिंग करना बाकी है, बाकी वीडियोस जो है वो घर में पड़ी है और मैं यहाँ पर गुजरात में हूँ। तो हम ज़रूर उस वीडियो को भी कंटिन्यू करेंगे, आपको पूरा रिटायरमेंट भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ हमें फ्यूचर में जो भी अभी फेस्टिवल्स आने वाले लाइक करवा चौथ, दिवाली, वो सब भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उसमें भी हम आपको व्यूज़ देंगे बहुत सारे, और हमारी फैमिली से भी गेट टुगेदर करवाएंगे। लास्ट टाइम वाले ब्लॉग में हमने आपको गेट टुगेदर करवाया था जिसमें हमारी दीदी और मिली थी आपको रक्षाबंधन में, तो आगे भी हम आपको हमारी पूरी फैमिली से मिलवाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ में, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, और अगर जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक्स, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ऐसे अभी भी मैं आपको इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं करूँगा, जो भी यहाँ का थोड़ी बहुत ग्रीनरी है, जिस हॉस्टल में हम हैं वहाँ का थोड़ा बहुत दिखाऊंगा मैं आपको। सो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ मतलब मेरे साथ ही, तो अभी तो प्रियांशी है नहीं। सो प्रियांशी की तरफ से मैं आप सबको विश करता हूँ, वो कैसे बोलती है, हाय फ्रेंड्स, वड़कम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सो प्रियांशी की तरफ से मैंने अब आप लोगों को विश कर ही दिया है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ में, आगे भी मैं आपको आगे के भी व्यूज़ दिखाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हमारे टाउनशिप का व्यू है जो काकरापार में है, काकरापार गुजरात साइड में, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि कितनी ग्रीनरी है। उसी तरह से ये देखिए, अभी हमारा हॉस्टल है जहाँ पर हमें अभी अकोमोडेशन दिया हुआ है, सीनियर हॉस्टल, और बहुत ही मतलब बेहतरीन ही पूरा आसपास लाइक एग्रीकल्चर का पूरी लैंड है, और बहुत ही अच्छे से मतलब इस टाउनशिप को स्टेबलाइज किया गया है बीच में। आगे भी मैं आपको दिखाऊँगा फ्रेंड्स कि इसका रूटिंग्स क्या क्या है, मतलब ऐसे तो बहुत बड़ा टाउनशिप है बट जस्ट लाइक यहाँ का मतलब एंट्री और एग्ज़िट क्या है, मतलब यहाँ पर एक्चुअली एंट्री और एग्ज़िट दो ही पॉइंट रखे हुए हैं, मेन एंट्रेंस गेट है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आगे जा कर के। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा साथ में आप। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं किस तरह से रोड है, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ा सा चाय वगैरह पी लें, अंदर भी बैठे बैठे बोर हो गए तो सोचा आज के ब्लॉगिंग कर लेता हूँ मैं। तो ये जैसे आप रूट देख रहे हैं ये बाहर जाने का रूट है, और यही अंदर आने का भी है ऑब्वियसली। सो इसलिए मैंने इसको टाइम लैप्स में शूट किया ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग ना लगे। ये हमारा हॉस्पिटल है इस वाले इस टाउनशिप का, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, पूरा DAE के अंडर में है ये, NPCIL इसका मेंटेनेंस देखता है। और ये बस स्टैंड है फ्रेंड्स, यहाँ से ही लोगों को बस मिलती है सुबह प्लांट के जाने के लिए। और जैसे कि अभी आपने एक बस देखी थी वो सूरत के लिए बस है, अभी यहाँ से 6 बजे एक बस है सूरत के लिए डिपार्टमेंट की, कि जो 9 बजे वहाँ से रिटर्न चलती है। फ्रेंड्स ये पेट्रोल बंक आ गया है जो कि एंट्रेंस पर है, बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टाउनशिप से बाहर और जा कर के चाय पियेंगे, एक हमारे मित्र भी मिलेंगे रामेश्वर मिश्र, उनसे भी मिलाएंगे आपको। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ गए हैं चाय वाय पीने, तो हमारे दोस्त हैं रामेश्वर मिश्र, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स वगैरह लिखते हैं हिंदी में और हिंदी को काफ़ी प्रमोट करते हैं, तो ये हमारे एक्चुअली सीनियर थे स्कूल में, तो अभी ये यहाँ पर काकराबार में जॉब करते हैं, हमारे से पहले लग गए थे 2012 में और हम 2013 में लगे थे, तो हम भी इनसे बहुत इंस्पायर हुए हैं। तो आप इनकी जो बुक्स है वो अमेज़न पर अवेलेबल है, तो जाकर के उसको खरीदिए, उसको पढ़िए, बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये। फिर रामेश्वर जी बताइए अपने बारे में कुछ, कैसे क्या क्या लिखते हैं आप? देखिए मेरा नाम रामेश्वर मिश्रा है और खासकर मैं कविताएं वगैरह लिखता हूँ। हाल ही में मैंने एक बुक प्रकाशित की है शब्दवेद करके, आप उसको बिल्कुल पढ़िए और उस पर अपनी अमूल्य राय प्रदान कीजिए। और फ्रेंड्स ज़रूर पढ़िएगा, बहुत मेहनत से लिखते हैं ये, और आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारी बुक्स मिलेगी,
और अमेज़न का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, रामेश्वर मिश्रा जी से तो आप मिल ही चुके हैं, तो अब इनकी बुक्स वगैरह भी देखिएगा। अब हम टाउनशिप के अंदर जा रहे हैं, ये आ गया है एंट्रेंस गेट, तो इसमें देख रहे हैं लोगों का आना जाना चल ही रहा है। शाम के टाइम में तो ऑब्वियसली रश तो रहता ही है। इसके जस्ट बाद में इस प्लांट का ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी यहीं पर ही है टाउनशिप के अंदर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद में फ्रेंड्स आपको मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा साथ में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपको एक्सप्लोर कर दूँ, उसमें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही शॉपिंग, दो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बट एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा सामान मिलता है और पब्लिक यहाँ से ज़्यादा प्रेफर करती है लेना, क्योंकि बाहर दुकानें जो हैं वो बहुत कम हैं। सो बने रहिएगा व्लॉग में, थोड़ा सा आउटर फेरी मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी। सो फ्रेंड्स, अभी हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, ये भी टाइम लैप्स में शूट किया ताकि आप लोगों को बोर ना लगे, तो देखते रहिए फ्रेंड्स। बस ज़्यादा पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है सीनियर हॉस्टल से, जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस है, अराउंड 500 मीटर्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है बाहर से, अभी इसके अंदर भी हम लोग जाएंगे तो आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक ही छोटा सा छतरी टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग बैठ करके टाइम पास भी करते हैं, बुज़ुर्ग के सब लोग ही आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और ये एकदम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में गार्डन बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा गार्डन है, बहुत ही ग्रीनरी है, प्लेग्राउंड भी है। अब हम एंटर हो रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी डिस्प्ले लगाई हुई है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं काकराबार गुजरात साइड लिखा हुआ आ रहा है। और फ्रेंड्स, ये हम लोग एंटर हो चुके हैं। इस कॉम्प्लेक्स की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर SBI का बैंक भी है, सब्जी मार्केट भी है, किराने की दुकानें भी है, कपड़े की शॉप भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी दुकानें दिख रही है, पोस्ट ऑफिस भी यहीं पर है। तो बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है और यहाँ पर टाउनशिप के लोगों को बाहर जाने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है क्योंकि यहीं से सारा सामान अवेलेबल हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये किराने की दुकान भी अंदर है, पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो अब हम, मुझे भी जाना है सामान लेने, उसके बाद में भी सामान लूँगा, और यहाँ SBI का बैंक भी है, सामान लेकर के आता हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ मैं आपको। A few moments later. तो फ्रेंड्स, स्टोर से शॉपिंग कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारा सामान लिया है। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा है क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो आगे भी हम आपको मिलते रहेंगे। सॉरी इतने टाइम आपसे नहीं मिल पाए, वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाए। तो वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर कंटेंट तो मैं निकाल ही लूँगा क्योंकि यहाँ पर गेस्ट हाउस वगैरह है, तो मैं कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो बेटर प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलेंगे आपसे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, एंड ऐसे ही हम आपको वीडियोज़ दिखाते रहेंगे और आप हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। Thank you friend, thank you so much, bye, see you.